हॉलीवुड के मशहूर एक्टर कार्तिक आर्यन के मामा मामी का देहांत हो गया है। मुंबई में तूफान आने से जो हादसा हुआ था उसमें कार्तिक आर्यन के मामा मामी की भी जान चली गई। 13 मई को मुंबई के घाटकोपर में तूफान की वजह से होल्डिंग गिर गया था। इस हादसे में कई लोगों की जान गई थी। अब पता चला है कि इस हादसे में कार्तिक आर्यन के मामा मामी की भी मौत हो गई है। दुर्घटना के 3 दिन बाद शव मिला है। कार्तिक आर्यन के मामा मनोज चौरसिया इंदौर एयरपोर्ट के पूर्व डायरेक्टर थे और उनकी मामी का नाम अनीता चौरसिया था। ये दोनों जबलपुर से सिविल लाइंस में मरियम चौक में रहते थे। बताया जा रहा है कि मृत दंपति अपनी कार से मुंबई आए थे। यहाँ वो अपने बेटे से मिलने के लिए वीजा बनवाने आए थे। उन्हें अपने बेटे यश से मिलने के लिए अमेरिका जाना था। मुंबई से जबलपुर लौटते वक्त एक पेट्रोल पंप पर वह पेट्रोल भरवाने के लिए रुके और उसी वक्त हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही उनके बेटे यश अमेरिका से मुंबई पहुंच गए। घटना स्थल पर पुलिस को मलबे में 2 बॉडी मिली। 3 दिन हो जाने की वजह से शव का पहचान नहीं किया जा रहा था। बाद में बेटे ने अंगूठी से माता पिता की पहचान की और दोनों का अंतिम संस्कार गुरुवार को ही कर दिया गया। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहे मेरे यानी स्वप्निका के साथ और देखते रहे ईआन टीवी।